नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी आयुर्वेद के सिद्धांतों के बारे में और हम इस वीडियो में उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था आयुर्वेद के दो प्रमुख उद्देश्य। पहला उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और दूसरा उद्देश्य रोगी के रोग का निवारण करते हुए उसके स्वास्थ्य को बनाना। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था क्या जानकारी होनी चाहिए कि ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे, आप हमेशा हेल्दी रहे, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का रहे। इसमें हम बात करेंगे आपके दूसरा जो उद्देश्य है, रोगी के रोग को निवारण कैसे किया जाता है आयुर्वेद में। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि क्या जानना जरूरी है, अष्टांग आयुर्वेद, ठीक है। रोग का निवारण करने के लिए आपको अलग तरह से रोग की कैटेगरी दी गई है, मेडिकल कैटेगरी दी गई है, जिसको अष्टांग आयुर्वेद का नाम दिया गया है। अब क्या है वो कैटेगरी, आपका काय चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा, भूत विद्या, शल्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, अंगद तंत्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र। तो अष्टांग आयुर्वेद आयुर्वेद के 8 अंगों को संदर्भित करता है, उनको बताता है जो एक व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो काय चिकित्सा में क्या है, बेसिकली आपकी जो अग्नि है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, उससे जुड़ी चिकित्सा, ताकि जो आपके दोष हैं, आपके जो त्रिदोष हैं, वो एकदम बैलेंस रहे। दूसरा है आपका बाल रोग चिकित्सा, गर्भावस्था से लेकर शिशु की देखभाल और उनके रोगों के उपचार के लिए ये बाल रोग चिकित्सा है। तीसरा है भूत विद्या, मानसिक रोगों के उपचार, जिसमें विशिष्ट आयुर्वेदिक और विधियां उपलब्ध है, जिसके प्रयोग से आप मानसिक रोगों का उपचार करते हैं। शल्य चिकित्सा, जो कि आपके चोट घाव, आपके कोई भी आपके कट फट लगा है, उनसे रिलेटेड आपके उपचार किए जाते हैं। शालाक्य चिकित्सा आपके गले, नाक, कान और आंखों के रोग के इलाज के लिए है। अंगद तंत्र, आपके जो अलग अलग तरह के विष शरीर में उत्पन्न हो गए हैं, उनसे रिलेटेड चिकित्सा आयुर्वेद के माध्यम से। रसायन तंत्र है आपका शरीर में जो आपके रस है, आपके जो धातु है, आपकी जो अलग अलग तरह की धातु शरीर में बनी हुई है, उनके असंतुलन से जो रोग उत्पन्न होते हैं, उनका उपचार कैसे किया जाता है, इन रस और धातुओं को कैसे बैलेंस किया जाता है, इनसे रिलेटेड चिकित्सा है। आठवां है आपका वाजीकरण तंत्र, ये आपका प्रजनन क्षमता, आपके यौन समस्याएं, आपके फर्टिलिटी, आपके सेक्सुअल कोई आपके आपकी हेल्थ इश्यूज है, उससे रिलेटेड इसमें आपका उपचार किया जाता है। तो आयुर्वेद में 8 अलग अलग कैटेगरीज रखी गई है आपके मेडिकल्स की, और पहले जाना जाता है कि आपको किनसे, इनमें से किससे संबंधित आपका रोग है, और फिर उसके आगे इस पे वर्क किया जाता है। अब ये तो हो गई मेडिकल कैटेगरी, आयुर्वेद में हर एक रोग को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है और उस कैटेगरी के अनुरूप उनका इलाज किया जाता है। अब वो जो रोग है, उन रोगों का क्या वर्गीकरण है, उनको भी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, ताकि इसका सही ढंग से इलाज हो सके। तो आयुर्वेद में रोगों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये श्रेणियां आपकी प्रकृति, आपकी उत्पत्ति और आपके प्रभाव के आधार पर तय की जाती हैं। जो आपके दोष होते हैं, उनके आधार पर तय की जाती है। और ये जो मुख्य श्रेणियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है आपकी दोष के आधार पर श्रेणी, वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, है ना, स्तनपातिक रोग, इनके आधार पर। अगर आपको वात दोष हो रहा है, आपको कफ दोष हो रहा है, आपको कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, या जोड़ों से रिलेटेड समस्या हो रही है, तो उनको इन कैटेगरी में रखा जाता है और फिर उस बेस पे आगे देखा जाता है। उत्पत्ति के आधार पे वर्गीकरण, आपका आगंतुक रोग, बाहरी कारणों से उत्पन्न होने वाले रोग, जैसे कोई चोट लग जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, गिर जाना, ठीक है। दूसरा है निज रोग, आंतरिक असंतुलन से, शरीर के अंदर जो आंतरिक असंतुलन हो रहा है, उसकी वजह से जो रोग है, इसको कैटेगराइज करना। फिर रोग के स्वभाव के आधार पे साध्य रोग, आसानी से जो रोग ठीक हो जाते हैं, ये उस कैटेगरी का रोग है। असाध्य रोग, ये इनका इलाज होना बहुत मुश्किल है, ये उस कैटेगरी का रोग है। याप्य रोग, आपका ये जो रोग है, ये आपका ठीक किया जा सकता है, लेकिन ठीक होने के बावजूद भी इसको नियंत्रण रखना जरूरी है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। क्या ये इस कैटेगरी का रोग है, या अनुपकर्मी रोग, मतलब कि इनका इलाज ही संभव नहीं है, बस हम इनको खाली कंट्रोल करके रख सकते हैं, बट इनका इलाज नहीं है, क्या ये इस कैटेगरी का रोग है, तो इसमें इसको रोग को वर्गीकृत किया जाता है। फिर
स्थान के आधार पर श्रेणियां, स्थान के आधार पर रोग को रखा जाता है। शारीरिक रोग, क्या ये आपके शरीर से संबंधित रोग है या आपका मानसिक संबंधित, मन से संबंधित रोग है। काल के आधार पे नवीन रोग, अभी हाल ही में हुआ है या जनरेशन से चला आ रहा है या बचपन से है या जेनेटिक है, इस आधार पे देखा जाता है। फिर संक्रमण के आधार पे, तो संक्रमण के आधार पे क्या है कि जो एक दूसरे से फैल सकता है, ये इस तरह का रोग है या फैल नहीं सकता लेकिन ये आपके संक्रमित है, ये इस तरह का रोग है। तो रोग को भी इस अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है ताकि इलाज करना आसान बन सके। तो मेडिकली फिर आपका रोग की श्रेणी, तो आपको आयुर्वेद के जो मेडिकल कैटेगरी है उसका पता लग गया, आपको रोग के जो वर्गीकरण है उनका पता लग गया। अब जब आपको रोग का पता लग गया किस तरह का रोग है, उसके बाद जाना जाता है रोग के कारण। देखो आयुर्वेद में एक चीज बहुत अच्छी है कि जो रोग है उसके खाली सिंपली ऐसे नहीं कि आपने बोला खांसी होगी तो दवाई लिख के दे दी, आयुर्वेद में तह तक जाया जाता है, ना केवल कि आपने कल परसों क्या खाया होगा, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपके फैमिली में भी इस तरह का कफ के सिस्टम, एग्जाम्पल अगर आपको कफ हो रखा है तो कफ के सिम्टम्स तो नहीं है, बचपन से तो नहीं है, तो पूरा एक डिटेल में तह तक जाया जाता है किसी भी रोग के लिए, ताकि इसको पूर्ण रूप से समझा जाए और उसी अनुसार इसका इलाज किया जाए, ना कि सिंपली दवाई देके आपको छोड़ दिया जाए। तो रोग में पूरा जड़ तक जाया जाता है, रिवर्स चलते हैं, जड़ से शुरुआत होती है तब जाके ऊपर पे इलाज होता है, ठीक है ना। तो आयुर्वेद में रोग के भी वर्गीकरण है, इसको 5 अलग अलग भागों में देखा जा सकता है। तो क्या है इसका पहला भाग, इसका पहला भाग है इंद्रियों के संपर्क में आने से या इंद्रियों के असंतुलित होने से। असात्मय इंद्रियात संयोग, इंद्रियां जैसे आपकी आंख कान नाक जीभ त्वचा है, उनके जो विषय हैं रूप ध्वनि गंध स्वाद स्पर्श के साथ असामान्य या अनुसूचित संपर्क रोगों के कारण बनते हैं, तो इसको देखा जाता है। दूसरा है आपका बुद्धि का दुरुपयोग, प्रज्ञा अपराध। तो प्रज्ञा अपराध क्या है कि प्रज्ञा अपराध का अर्थ है बुद्धि स्मृति और धृति, आपकी जो इच्छा शक्ति है उसका गलत या अनुचित उपयोग, उस वजह से भी आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कोई आपने जानबूझ के कोई गलती कर दी हो, है ना, उस वजह से तो रोग का कारण हो सकता है। तीसरा है आपका परिणाम, मतलब यह समय या मौसम का प्रभाव, किस मौसम में आप उस टाइम पे आपकी तबीयत खराब हुई है, कौन से मौसम में आप थे, किस, वो सारे चीजें भी मैटर करती हैं। जैसे आपकी तबीयत खराब है तो पूछा जाएगा कि कब से चल रहा है, उस समय आप कहाँ पे थे, किस तरह के वातावरण में थे, क्या खा पी रहे थे, वो सब चीजें मैटर करती हैं। आहार या जीवन शैली, अनुचित आहार और जीवन शैली भी आयुर्वेद में रोगों के प्रमुख कारणों में से एक मानी जाती है, तो इसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में भी डिटेल में आकलन किया जाता है कि आपका आहार या जीवन शैली क्या है। तीसरा जो पांचवी जो रोग कैटेगरी है वो है मन और भावनाओं का असंतुलन, मानसिक और भावनात्मक असंतुलन, जैसे अत्यधिक चिंता गुस्सा डर आदि भी रोगों के कारण बनते हैं, इनसे शरीर में दोषों में असंतुलन पैदा होता है, तो इसके बारे में भी जानकारी ली जाती है। तो आयुर्वेद में गहन अध्ययन किया जाता है हर एक रोग के बारे में, किस तरह का रोग है, कब से चल रहा है, फैमिली में तो नहीं है, इसका आपका जीवन शैली कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका खान पान कैसा है, सब चीजों का एक डिटेल्ड जानकारी ली जाती है, आपके दोषों का पता लगाया जाता है, आपकी प्रकृति का पता लगाया जाता है और बेस्ड ऑन दैट आगे का उपचार निर्धारित किया जाता है। तो आपको रोग का पता चल चुका है, फिर आपको ये पता चल चुका है कि रोग कैसे उत्पन्न हुआ है, मतलब रिसेंटली है या लंबे समय से है, मौसम की वजह से है, जीवन शैली की वजह से है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से है, खान पान की वजह से है, जेनेटिक है, फैमिली से है। जब इस सब का पता चल चुका तो आपने जो रोग की जो कैटेगरी है वो पता लगा दी, उसके बाद आपको जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ा पहले वर्गीकरण, आपने रोग को उसके वर्गीकरण में रख दिया ताकि आप उसका निदान कर सकें। तो क्या है, 4 तरह से निदान के लिए रखा गया है। सुख साध्य, जो आसानी से ठीक होने वाला रोग, क्या ये रोग आसानी से ठीक होने वाला है। दूसरा कुसाध्य, मतलब कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा प्रोसेस लगेगी, थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, थोड़ा मुश्किल आएगी, बट ठीक किया जा सकता है। तीसरा है याप्य, कि ठीक तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद भी
काफी आपको सचेत रहना पड़ेगा इसको नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है, वरना वापिस आ सकता है। और चौथा असाध्य, कि मतलब ये ठीक नहीं हो सकता बट इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो जब आपको रोग का पता चल चुका है, आपने इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली, आपको ये पता चल चुका है, फिर आपने इसको निदान के लिए आपने इसको कैटेगरी बना दी कि ये किस कैटेगरी के अंदर आ सकता है, कि मतलब ठीक हो सकता है या थोड़ा जल्दी हो जाएगा या थोड़ा टाइम लगेगा या फिर नहीं भी हो पाएगा या हो पाएगा पर उसके बाद भी वापस आ सकता है, इस तरह की कैटेगरी में आपने इस रोग को जब रख दिया उसके बाद आप आगे की इसकी कार्रवाई करते हैं। अब रोग का पता चल चुका है, आपने रोग को कैटेगराइज कर दिया है, आपने ये पता लगा लिया कि ये किस तरह का रोग है, कितना जल्दी ठीक हो सकता है या इसमें टाइम लग सकते हैं या लंबे वक्त के लिए या नहीं ठीक होगा, खाली नियंत्रण में ला सकते हैं। और जब आपने इसका सब पता लगा दिया, इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए आपको चार पिलर्स एक तरह से बताए गए हैं आयुर्वेद में, जिसको बोला गया चतुष्पद। तो आयुर्वेद में जो चतुष्पद है, ये चार महत्वपूर्ण स्तंभ है, ठीक है, ये कोई भी आपकी आयुर्वेद प्रणाली है इसको चलाने के लिए इन चार पिलर्स का होना बहुत जरूरी है। क्या है पहला पिलर? चिकित्सक, भीषक बोला जाता है। दूसरा द्रव्य यानी कि औषधि, किस तरह की दवाई लेनी है, किस तरह का आपको अम्ल लेना है, किस तरह का आपको द्रव्य लेना है, किस तरह की औषधि लेनी है, ये सब इसमें बताया जाता है। तीसरा है आपका उपस्थता, मतलब परिचारक, एक योग्य परिचारक है जिसको हम मेडिकली भाषा में नर्स बोलते हैं, जो आपको सही समय पे दवाई खिलाए, सही समय पे आपका इलाज करे, सही समय पे आपको बताए कब उठना है, कब बैठना है, कितनी देर लेटना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो वो आयुर्वेदा नर्स भी हो सकती है या आपके अपने घर पे भी हो सकते हैं, जो आपका इस चीज का पूरा ध्यान रखे, ठीक है। चौथा है रोगी, ऑफकोर्स, तो जो रोगी है उसकी पॉजिटिविटी, उसकी सकारात्मक सोच, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है अपनी ट्रीटमेंट्स को लेके, अपने रोग को लेके, कि नहीं मैं ठीक हूँ, ये प्रबलता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जब चार चीजें रहेंगी तभी आपके शरीर पे इनका पॉजिटिव असर पड़ेगा। सही डॉक्टर, सही असिस्टेंट एक नर्स, ठीक है, आपका सही दवाई और रोगी की पॉजिटिविटी, ये चार चीजें बहुत जरूरी है। तो रोग का पता चलने के बाद इसके बाद आती है उपचार की बारी। उपचार के लिए इसको दो कैटेगरी में रखा गया है। पहला है शोधन, डिटॉक्सिफिकेशन, वेदर डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से इलाज हो सकता है। दूसरा है शमन, औषधि के माध्यम से या औषधियां भी साथ साथ करनी पड़ेगी। ये दो उपचार की कैटेगरी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पंचकर्म, पांच अलग अलग तरह के कर्म आते हैं, पंचकर्म बोला जाता है। तो इसके माध्यम से शरीर का इलाज किया जाता है। तो क्या है पंचकर्म? पहला है आपका वमन, उल्टी के माध्यम से, मतलब आपको अलग अलग तरह का द्रव्य खिलाया जा सकता है, फिर आपको उल्टी के माध्यम से क्लींजिंग प्रोसेस करी जा सकती है। दूसरा है विरेचन, विरेचन के आगे अलग अलग तरह का द्रव्य या औषधि खिलाई जा सकती है और आपको दस्त के माध्यम से आपको बोला जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। तीसरा है आपका एनिमा, एनिमा क्या, एक अलग तरह का एक द्रव्य बनाया जाता है जिसमें अलग अलग तरह की आपकी इंक औषधियां रहती है और थ्रू द इंजेक्ट आपको एनल के थ्रू दिया जाता है और अगेन दस के थ्रू निकाला जाता है और जिससे आपकी पूरी आपकी इंटेस्टाइन आपकी बहुत इंटेंस रूप से एकदम क्लींज हो जाती है, ये एक तरीका है। चौथा है आपका नस्य, नस्य क्या, ऑयल या अलग तरह का द्रव्य नाक में डाला जाता है उसके थ्रू क्लींजिंग करी जाती है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटेंस है वो है रक्त मोक्षण, रक्त की क्लींजिंग अलग अलग तरह के माध्यम से शरीर की पूरी सफाई इसमें करी जाती है। ये वाली तो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है और आपको इजिली कहीं पे अवेलेबल नहीं होगी, खाली प्रॉपर आयुर्वेदा क्लिनिक में ही आपको अवेलेबल रहेगी। तो अगर आपने समझा होगा इस पूरी वीडियो को, इसमें क्या बताया गया, खाली एक नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं है कि आप क्लिनिक में गए और आपने इलाज करा दिया, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी और आपका बोल देगी ठीक है दवाई फेंक आते हैं। आयुर्वेद में बोथ कंडीशन में आप स्वस्थ हैं या आप अस्वस्थ हैं, बोथ कंडीशन में आयुर्वेद में सबसे पहले आपके दोष को बताया जाएगा, आपके दोष को बताया जाएगा आप किस तरह का आपका दोष है, आप वात प्रकृति, आप वात के हैं, पित्त के हैं या कफ दोष के हैं, उसके आधार पर आपकी प्रकृति जानी जाएगी, किस तरह की आपकी प्रकृति है उसके आधार पर फिर आपका जाना जाएगा आपका जीवन शैली, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका खान पान क्या है। और अगर आप स्वस्थ हैं
फिर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है ताकि आपके स्वास्थ्य बना रहे, और अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपको फिर आगे का इसमें जो है वो बताया जाएगा कि ओके अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपकी जीवन शैली किस तरह की है, आप कब से रोग चला आ रहा है, इस रोग का आपके फैमिली से तो नहीं चला आ रहा है, या कितने टाइम से आपके ऊपर है, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, और फिर उसके बाद आगे का आपका उपचार निर्धारित किया जाए। तो प्रोसेस आयुर्वेद बात करता है लाइफ स्टाइल के बारे में, जीवन शैली की गुणवत्ता बनाए रखने के बारे में। अब उसके लिए डिटेल में जानना जरूरी है इन पूरी चीजों को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ध्यान रखें आयुर्वेद एक लाइफस्टाइल है, अगर आप इसको समझ सकें बहुत इजी, आप इसको थोड़ा सा पढ़ के भी आपको जान सकते हैं, एटलीस्ट आपको बेसिक पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से त्रिदोष हैं और आप कौन सा दोष प्रकृति है, और उस बेस पे आप अपना जीवन शैली निर्धारित कर सकते हैं। कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।